9.7 and page number 125. Theke? So the given is mass of girl Mg is 40 kg. Second is uh, it jumps with the horizontal velocity, mean its uh, initial velocity that is जी इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ गर्ल दैट इज फाइव मीटर पर सेकेंड एंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट फ्रिक्शन लेस सो कार्ड की जो इनिशियल वेलॉसिटी है यू सी दैट इज जीरो मीटर पर सेकेंड एंड द मास ऑफ कार्ट इज थ्री के जी एम और उसके बेस में मैंने लिखा है सी दैट डिनोट्स मास ऑफ कार्ट That is 3 kg, and we have to find uh, the cart. What is, what is her velocity as the cart starts moving? Assume that there is no external unbalanced force working on the, in the horizontal direction. So, students, uh, first of all, try to understand this when the girl jumps on the cart.

सो so, यहाँ पर हम एक चीज लिख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ गर्ल इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट हमें ये फाइंड करनी है अगेन यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम दैट इज मास ऑफ़ गर्ल इन टू ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ कार्ट सॉरी इनिशियल वेलॉसिटी आएगा यहाँ पर मास ऑफ कार्ट इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज इक्वल टू मास ऑफ गर्ल इंटू इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ कार्ट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि वी जी इक्वल टू वी सी है ये दोनों एक सेम वैल्यू हैं तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं वी कैन राइट वी इसको कॉमन वी लिख लेते हैं ओनली एंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एम जी प्लस एम सी एंड यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं बिकॉज वी हैव द वैल्यूज यम जी दैट इज फोर्टी के जी एंड यू जी दैट इज फाइव प्लस एम सी थ्री है एंड यू सी जीरो है सो so, अगर जीरो से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे दिस एंटायर वैल्यू विल बिकम जीरो एंड द रिमेनिंग इज फाइव फोर जा ट्वेंटी टू हंड्रेड बन जाएगा ये इज इक्वल टू वी एम जी कितना है हमारे पास फोर्टी फाइव एम सी कितना है दैट इज थ्री सो फोर्टी प्लस थ्री फोर्टी थ्री हो जाएगा इन दिस साइड इट इज इन मल्टीप्लाई इसको जब हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा टू हंड्रेड अपॉन फोर्टी थ्री इज इक्वल टू वेलॉसिटी इन मीटर पर सेकेंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस इज द आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन यहाँ पे यूनिट जरूर लगा लीजिएगा मेरे पास स्पेस नहीं बचा सो दैट इज और एक और बात बार बार कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो गिवन आंसर होता है लास्ट में क्या वो हमें फ्रैक्शन में करना है छोड़ देना है या उसको सॉल्व करना है इट्स uh, टोटली बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू दैट कि इसको फ्रैक्शन को हम सॉल्व करें पॉइंट्स में वैल्यू को लेकर आएं। ठीक है अगर आपके पास टाइम नहीं है देन यू कैन लीव इट इन फ्रैक्शन फॉर्म सेकेंड थिंग आपको यूनिट्स जो हैं वो जरूर लिखनी है किसी को भी यूनिट नहीं छोड़नी है ओके okay? इस चीज को ध्यान रखिएगा